सरकार को तुरंत सरसों की फसल की खरीद शुरू करनी चाहिए और एमएसपी के हिसाब से किसान को उसका पूरा पैसा देना चाहिए। जिस किसान ने बेच दी उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। ये किसान खुदा से किसान विरोधी है। अखबारों में जो ये दावे करते हैं और हकीकत में किसान को कमजोर करने के लिए वोट नहीं योजनाएं बनाते हैं। जहां सरसों की फसल सरकार को खरीदनी चाहिए वही आज आपको विशेष रूप से इसलिए आमंत्रित किया है। मेरे से भी पहले से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को जो पार्टी का स्थापना हुई थी कुछ वक्त से पार्टी को संगठन को मजबूत करने में चौधरी देवलाल के साथ भी और चौधरी ओम प्रकाश कुटाला जी के साथ भी इन्होंने लंबे समय तक संगठन को मजबूत बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। पीछे किसी कारणवश कुछ समय के लिए राजनीतिक तौर पर जिस तरह के हालात प्रदेश के रहे देश के रहे उनको देखते हुए राजनीति से उठ चुके थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रति सदा उनका लगाव है। हमेशा पार्टी को जब भी मेरी मुलाकात हुई चुनाव साहब नागराज जी से मुलाकात हुई उन्होंने खुल करके कहा कि मेरी इच्छा है कि पार्टी फिर शिखर पर पहुंचे। आज फिर सक्रिय रूप से पार्टी की जिम्मेवारी पार्टी को संभालने के लिए आज फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम सब उनका बहुत स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। और वही चुटाला साहब से कल मेरी मुलाकात हुई उससे पहले हम सब संगठन के साथियों ने आपस में बैठकर के विचार विमर्श किया। मैं माजरा जी से मेरे भाई इलेक्शन में भी माजरा जी ने मेरी खुल करके मदद करी थी। चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर भी हमने जब इनको इनवाइट किया तो ना केवल यह बल्कि कैथल की रैली की सारी देख रेख इनकी निगाह में हुई थी। और हम सब साथियों ने जब बैठ करके आपस में विचार विमर्श किया तो सबकी एक इच्छा थी, हमारी हमारी नहीं बल्कि पार्टी के हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी है उन सबकी एक इच्छा थी कि माजरा जी को फिर से बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में सौंपी जाए ताकि संगठन को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। आज सबने फैसला लिया है और फैसले से चुटाला साहब को हमने अवगत कराया। उनकी भी जाती इच्छा थी कि पार्टी के प्रदेश की कमान अब माजरा जी को सौंपी जाए। आज हम इनका स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं वही हम सब इनके नेतृत्व में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बाकी सारी बातें तो माजरा जी सब हम आपसे कहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई इनकी घर वापसी है कहा ये पार्टी में इसलिए शामिल है, ये हमेशा पार्टी के साथ रहे। थोड़े दिन निष्क्रिय हो गए थे और फिर बहुत सक्रिय होकर के काम करेंगे और फिर से इस सारी बात को अच्छे ढंग से निभाएंगे। बाकी बातें तो आप माजरा जी से करो। आप सभी का स्वागत है। जमाना चौधरी देवीलाल का था और न्याय युद्ध था, राजीव लंगोवाल समझौता हुआ उसके खिलाफ भी सक्रिय भूमिका निभाई चौधरी देवीलाल। 1982 में बहुमत लेकर के आए
और उनकी सरकार नहीं बनने दी, तब भी एक बड़ा झटका था, तब भी हम चंडीगढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन करते रहे और एक भी ना सुनी। और उसके बाद हम लगातार, चाहे कोई भी आंदोलन रहा, कोई जलसा रहा, कोई प्रदर्शन रहा, उसमें लगे रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, चौधरी देवीलाल जी के साथ, और बढ़ चढ़ करके काम किया। ये ठीक है, परिवार में भी कुछ मतभेद हो जाते हैं। कुछ समय के लिए, दो तीन महीने के लिए ऐसा हुआ कि वो मतभेद हुए, और अभय सिंह चौटाला ने ये चैलेंज कर दिया था कि तीन काले किसानों के कानून जो आए हैं, जिसमें एमएसपी नहीं रहेगा, अत्यधिक बंधारण की इजाजत बड़ी कंपनियों को दे दी और भू के मालिक बड़ी कंपनी हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि मैं 26 जनवरी तक अगर ये वापिस नहीं लिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा और किसान आंदोलन में कूद जाऊंगा। 26 तारीख आई तो 27 तारीख को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठ गए और मेरे से भी फोन पे कहा कि आप भी इस बीजेपी को छोड़ दो, क्योंकि किसानों का आंदोलन पीक पे है और इसमें आपकी जरूरत है। मैंने तुरंत से आप सबसे मुखातिब होके भारतीय जनता पार्टी को तिजामिली उसी वक्त दे दी थी, और हमने पूर्व विधायकों में स्वर्गीय श्री महेश सिंह राठी की अध्यक्षता में सब ने मिलकर के कोई 150-200 जाकर के दिल्ली के बैठे किसानों को समर्थन दे करके आए, और उसके बाद उस किसान आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई। साथियों, आज कुछ इसे बातें हैं कि सरकार के कुछ दावे इस प्रकार के हैं, हमारी पारदर्शी सरकार है, 32 से 42 पेपर भेज दिए जाते हैं और फिर ये कह देते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी है, 235 कोऑपरेटिव बैंक में लगा दिए जाते हैं बुला बुला के घर से, और हमारे वहां के विधायक पर्चा दर्ज कराते हैं पुंडरीके के मेरे बेटे से पैसे ले लिए, जिसका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को है। और इसी प्रकार से हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, ले दे के फौज थी उसमें भी अग्निवीर कर दिए, और इन्होंने ये कहा विशेष तौर से कि किसान के लिए हम आमदनी दुगुनी कर देंगे। ना दुगुनी हुई, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो उसकी, ना एमएसपी का कानून बना, और जीएसटी भी किसानों पर ज्यादा थोपा गया, और ट्यूबवेल के कनेक्शन लेने के लिए भी एक जटिल प्रक्रिया बनाई, जिसके वजह से ये किसान बहुत दुखी है, जवान दुखी है। और सरकार कहती है हम पारदर्शी हैं, इस देश में चुनावी बॉन्ड का कितना बड़ा महाघोटाला हुआ है कि या तो ईडी का डर दिखा के, या आगे उद्योग स्थापित करने के लिए, धंधे देने के लिए, ठेके देने के लिए इतना चंदा इकट्ठा किया गया, जो चुनावी बॉन्ड का बहुत बड़ा घोटाला आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हर जिले में 5 सितारा दफ्तर बने, वो कहां से बने? ये बातें जो लगती हैं कि कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे, इसका मतलब तुमने ईवीएम मशीन को पहले से सेट किया हुआ है। आज किस प्रकार से कि इनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वीवीपैट के मामले में तो ये खामोश हैं, परंतु इसकी पैरवी जरूर करते हैं कि 400 पार करेंगे। हरियाणा ने भी दावा किया था कि 75 पार करेंगे, 50 हारे थे, 40 जीते थे। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कि हरियाणा प्रदेश में कोई व्यवस्था नहीं बदली, ना तो एसवाईएल का पानी आ सका। एसवाईएल का प्रस्ताव सबसे पहले सारे समझौते रद्द करने वाली पार्टी कांग्रेस है, और इसी प्रकार से एक पार्टी और हमारे हरियाणा प्रदेश में आई, उनकी आप पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में बनी, उन्होंने पंजाब की विधानसभा में पहला रेजुलेशन ये पास किया कि हम एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं दे सकते, जो भगवत मान की सरकार बनी है। और इसी प्रकार हमारे हरियाणा में जहां एसवाईएल सूखी है, वहीं पे हांसी बुटाना नहर भी सूखी पड़ी है। और ये लोग कहते हैं कि हमने एक समझौता, जमुना जल समझौता 1994 में हुआ था, ये कहते हैं कि हमने राजस्थान को पानी जमुना का देने का समझौता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर बारिश के दिनों में पानी अतिरिक्त था तो वेस्टर्न जमुना में पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है कि उसमें
अगर ज्यादा पानी होगा तो वेस्टर्न जमुना को देंगे, अगर ज्यादा पानी था, अगर वहां पे पानी उपलब्ध था तो दादूपुर मलवी नहर को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि उसका भी ऑब्जेक्टिव खोदने का बनाने का यही था कि बारिश के दिनों में अतिरिक्त पानी दादूपुर मलवी नहर में दिया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में कोई स्टडी नहीं की गई, हाइड्रोलॉजिक स्टडी कुछ नहीं की गई, कह दिया कि तीन पाइप से राजस्थान को पानी जाएगा और एक पाइप को हरियाणा के दादरी और भिवानी को पानी मिलेगा, ये फिजिबिलिटी है ही नहीं। हथनी कुल बैराज से पानी आप जाके राजस्थान ले जाएंगे ये संभव ही नहीं, ओखला से पहले पानी मिलता है राजस्थान को, वहीं से दिया जाना चाहिए। और हरियाणा वर्षों से इसका विरोध करता रहा है, आज भी हरियाणा के लोग तो विरोध करते हैं, परंतु मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस पर दस्तखत कर दिए। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ है और हरियाणा की प्यासी जमीन को पानी की जरूरत है, वो राजस्थान को देना चाहते हैं, ये गलत है, फिजिबिलिटी नहीं है। ना हरियाणा प्रदेश को SYL मिली, ना हरियाणा प्रदेश में कोई हांसी बुटाना नहर में पानी आया, दादूपुर मलवी नहर बंद कर दी और अब पानी राजस्थान को देने का समझौता कर लिया। ना हरियाणा की राजधानी बंश की, ना अलग से हाईकोर्ट बंश का, कोई व्यवस्था बदली नहीं, बल्कि अनेकों प्रॉब्लम खड़ी कर दी, परिवार पहचान पत्र की खड़ी कर दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की खड़ी कर दी, के फसल किसी की ब्यौरा किसी का, और अनेकों घपले और घोटाले हरियाणा प्रदेश में, चाहे शराब घोटाला है, धान घोटाला है, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, पेपर लीक घोटाला है, और अभी अभी सहकारिता विभाग का ICDP का 100 करोड़ का घोटाला है। ये घोटालेबाजों की सरकार है, जहां हरियाणा प्रदेश में अनेकों घोटाले हो रहे हैं, वही देश के अंदर भी बहुत बड़ा ये चुनावी बॉन्ड का घोटाला है। ऐसे मौके में मुझे चौधरी अभय सिंह आए और मेरे से कहने लगे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कई बार मेरे पास भी आए, मैं उनको मिलने भी गया, आदर भाव उनका दिल में यूं का यूं सजाए रखा, और जब भी मिलता तो मुझे यही कहते थे कि आओ रामपाल, तेरा तो घर यही है, मेरा कोई जाना नहीं, मेरा कोई आना नहीं, मेरा तो घर है। और मैं इस मौके पर मैंने सोचा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं, ऐसे मौके में किसानों के लिए इस्तीफा दे देने वाले, हरियाणा विधानसभा को ठोकर मार देने वाले, ऐसे मौके में हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज को हरियाणा की विधानसभा में बुलंद करने वाले, ऐसे मौके में कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे तुरंत से अभय सिंह चौटाला का साथ देना चाहिए। और मैं इस मौके पर इसलिए, अगर सत्ता की लड़ाई खाने की कोई चाहत नहीं, पहले भी ऐसा कभी सोचा भी नहीं, ये कोई लोकदल पार्टी में आज को ये भी नहीं समझ पा रहा होगा कि बहुत बड़ा फेरबदल होकर के सरकार बनने वाली है, नियुक्त भविष्य में कल क्या हो जाए ये तो संभावनाएं रहती हैं। संघर्ष के बलबूते पे ही किया है, आगे भी संघर्ष को ही चुना है। आज केवल अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में संघर्ष करने आए हैं, लड़ाई लड़ने आए हैं और जनता की आवाज को बुलंद करने आए हैं। धन्यवाद। चौटाला साहब जब कभी भी प्रेस के साथी उनसे मिलते थे, हमेशा एक बात खुल करके कहते थे कि सरकार जाएगी, और आज इस किस्म के हालात है कि सरकार लोकसभा के चुनाव के चलते चलते भी टूट सकती है। जिस तरह से कल मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उससे नाराजगी बहुत बड़ी है लोगों में। सत्ता के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो परेशान हैं। मुझे MLA है सत्ता के साथ जुड़े हुए, दूसरे लोगों पे क्या असर होना है। हाँ, जो MLA साथ दे रहे हैं, खास करके जो इंडिपेंडेंट है, जो JJP वाले, ये बहुत दुखी हैं।
जानकारी तो आपको भी होगी खैर है, अरे मेरे से ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन कुछ जानकारी मेरे पास भी आई है। जो पार्टी का सबसे मजबूत आधार है वो सबसे ज्यादा खपा है। जिस सब के चेहरे की जो हंसी है उससे लगता नहीं आपको कि वो एक दिन भी सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कोई ऐसा मौका है तो मुझे लगता है सबसे पहले मोर उन्हीं की लगेगी, सरकार तो है ही नहीं। सरकार तो अगर होती तो फिर मुख्यमंत्री का पहले दिन यह बयान आना चाहिए था कि मैं कानून व्यवस्था ठीक करूंगा, फिर तो किसान की फसल की एमएसपी पे खरीद शुरू हो जानी चाहिए थी। आज भी जो नया चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसको खुद पे भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। इससे ज्यादा और क्या प्रोटोकॉल टूटेंगे और पद की गरिमा को कम किया जाएगा। भूतपूर्व मुख्यमंत्री का नाम तो ऊपर लिखा जाता है और उसका नीचे लिखा जाता है। आपको भूतपूर्व राष्ट्रपति हो, कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो, तब तो मान सकते हैं, या फिर किसी पार्टी का संयोजक हो तब मानी जा सकती है। किस तरह से आज भी जो है हमारा मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कह के संबोधित कर रहे हैं, उसको इस बात का डर है कि कहीं इसको मुख्यमंत्री कहना बंद कर दिया तो तेरी कुर्सी ना चली जाए। आज आप सब लोग आए हो, आपका स्वागत है। एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोग मेरे कुरुक्षेत्र में उम्मीदवार बनाने के बाद मुझे कईयों को बहुत दिक्कत आ रही है। सुशील गुप्ता जी का कल एक बयान छपा था, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र से नहीं लड़ना चाहिए, वो बारी व्यक्ति है। छाज तो बोले सो बोले, छाजनी भी बोलने लगी। गुप्ता जी शायद भूल गए बेचारे कि वो कभी हरियाणा के थे, अपना व्यवसाय करने के लिए दिल्ली चले गए और दिल्ली से राज्यसभा के मेंबर रहे, हरियाणा से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। अब उम्मीदवार बनकर के आ गए। मैं गुप्ता जी को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मेरा कुरुक्षेत्र से बहुत पुराना रिश्ता है, मैं पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं और उसके बाद अर्जुन लड़ चुका है। हमारे चुनाव लड़ने की बात नहीं, यह हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। पूरे प्रदेश में जन्म तो हुआ है, ठीक है हमारा सरसा में हुआ है, लेकिन रिश्ता पूरे प्रदेश से एक जैसा है। हम तो कहीं से भी जाकर के लड़ सकते हैं, हमें तो हमारे संगठन ने जो जिम्मेवारी लगानी है उसको निभाना है, लेकिन उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। हरियाणा के लोग बहुत छाने हैं। SYL का सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने किया तो आप पार्टी ने किया, और गुप्ता जी आप पार्टी का उम्मीदवार बनकर किया है। जैसे दिल्ली से आए वैसे दिल्ली चला जाएगा। मेरी ख्याल जमानत भी नहीं बचेगी, मेरा जो अंदाजा है। और कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताओ। आप बताओ क्या स्थिति देख रहे हो, ये सवाल मेरे से पूछने का नहीं है, ये तो आपको आकलन करना चाहिए कि जिन्होंने बड़बोले बोल बोले थे आज उनकी स्थिति क्या है। मैं एक बात कह सकता हूं, जो 17% वोट की बात करते थे, जो 50
सीटें लेकर के मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे थे। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, मुझे नहीं लगता चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ लिया तो वो 17% जो है वो 0.7 पे आ जाएगा। उनकी हालत नोटों से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। आप मुझे एक चीज बताओ, मेरे नाम की घोषणा के बाद सबको परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है? सही सही बताओ, राष्ट्रीय दलों की उनको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी तो एक मेरे अकेले के नाम की घोषणा हुई है, जब नौ की और होगी तब आप देखना इनकी हालत क्या होगी। हम औरों की तरह झूठे दावे नहीं करते, ना हमने राजनीति में कभी झूठ का सहारा लिया। जो चीज कर सकते हैं खुल करके लोगों के सामने रखी कमी करेंगे, और जो नहीं कर सके उसके लिए लोगों से कहा कि हमारे बस की नहीं है। लोकसभा के चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो बहुत चौंकाने वाले होंगे, बहुत हैरानी वाले होंगे। मैं खुल के कह सकता हूं कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। जिन लोगों का गलतफहमी है उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जातिगत समीकरण तो इससे सदेंगे कि नहीं सदेंगे, पर कईयों की रान तो कट गई। जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लगते थे कि ये तेरी कमांड में ठीक से काम नहीं कर रहे, उनको साइडलाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? है अनिल विज भी उनमें एक है। अनिल विज तो मुख्यमंत्री की आंख में हमेशा रड़ता रहा है, पहले दिन से रड़ता है। कितनी दफा इनके आपस में क्लेश हुए, कितनी दफा बैठ करके समझौते हुए। मैं तो हमेशा ये कहता था कि विज साहब की अगर कोई सुनता नहीं है तो उनको छोड़ देनी चाहिए थी। अगर ये फैसला पहले ले लेते